नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 5 वर्षों में पासपोर्ट बनाने वालों की संख्या 1.5 गुनी तक बढ़ी। बिहार के नंदन का कमाल, माउंट कनामो पर फहराया तिरंगा। विदेशी मेहमान से गुलजार हुई जगतपुर झील। वेस्टर्न ड्रेस में अक्षरा सिंह ने दिखाया कातिलाना अदाएं। 2 कप्तान के साथ न्यूजीलैंड जाएगी भारतीय टीम। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आया एक और नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने दूसरा नीतीश कुमार अपनी शिकायत लेकर पहुंचा, तो ये नजारा और भी ज्यादा रोचक हो गया। जब सीएम ने हंसते हुए उस फरियादी से उसका नाम पूछा तो वो मुस्कुराकर बोला कि उसका नाम भी नीतीश कुमार है। दरअसल बेगूसराय जिले से एक युवक अपना फरियाद लेकर सीएम के जनता दरबार आया था। उस लड़के की शिकायत ये थी कि उसके पिता मध्य विद्यालय में रसोईया के पद पर कार्यरत थे, लेकिन उनकी मौत के बाद से उसे न तो सहायता राशि मिली और न ही उसे बैंक में नॉमिनी के तौर पर पैसे मिल पाते हैं। ये सुनते ही सीएम नीतीश ने तुरंत अधिकारी को फोन लगाया और कहा कि बेगूसराय से एक लड़का आया है, इसका भी नाम नीतीश कुमार है, मामला देख लीजिए, इसका काम जल्दी करा दीजिए। आज बिहार दौरे पर नितिन गडकरी। आज एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बिहार आए, जहां उन्होंने सासाराम जिला मुख्यालय से लगभग 130 किलोमीटर दूर पांडुका गांव में सोन नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। बता दें कि इस पुल के निर्माण होने से बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा भोजपुर के बक्सर के बीच और कोइलवर से भोजपुर के बीच बनाई जाने वाली 4 लेन सड़क का भी लोकार्पण किया जाना है। इन दोनों पुलों के निर्माण में 1,728 करोड़ रुपए और 1,662 करोड़ रुपए की लागत लग रही है। बताते चले कि इस कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, स्थानीय बीजेपी सांसद छेदी पासवान, विधायक और अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 5 वर्षों में पासपोर्ट बनाने वालों की संख्या 1.5 गुनी तक बढ़ी। कोरोना के खत्म होने के बाद पासपोर्ट बनाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। बता दें कि बीते 5 वर्षों में पासपोर्ट बनाने वालों की संख्या में 1.5 गुना की वृद्धि हुई है। ऐसे में हम अगर पटना की बात करें तो पटना में 28,000 लोग प्रति माह पासपोर्ट बनवाते हैं, जिस वजह से यह पासपोर्ट बनवाने की सूची में 3रे नंबर पर विराजमान है। वहीं इस सूची में सबसे पहले नंबर पर सिवान को रखा गया है, जहां प्रति माह 79,000 लोगों के द्वारा पासपोर्ट का निर्माण करवाया जाता है। वर्ष 21 में पासपोर्ट आवेदकों की संख्या 2,86,778 रही, जबकि 2,71,651 लोगों को पासपोर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष जनवरी में 25,023 लोगों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, जबकि उस दौरान 24,597 पासपोर्ट जारी किए गए। बिहार के नंदन का कमाल, माउंट कनामो पर फहराया तिरंगा। बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के सरेंजा गांव के रहने वाले नंदन चौबे ने अगस्त महीने में हिमाचल प्रदेश में मनाली और लेह के बीच स्थित माउंट यूनाम और लाहौल स्पीति जिले में स्थित माउंट कनामो पर फतह हासिल की है। यह कामयाबी हासिल करने वाले नंदन चौबे बिहार के इकलौते पर्वतारोही हैं। उन्होंने बताया कि कनामो चोटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है, जहां ऑक्सीजन की बेहद कमी है और इस चोटी को फतह करना बेहद मुश्किल समझा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पे 10 किलोग्राम का तिरंगा ले जाना बहुत परेशानी की बात होती है। वहीं आपको बताते चले कि नंदन फिलहाल माउंट एवरेस्ट के शिखर पे जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। विदेशी मेहमान से गुलजार हुई जगतपुर झील। बिहार में ठंड की शुरुआत होते ही विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। बता दें कि बिहार के भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल स्थित जगतपुर झील में हजारों मील की दूरी तय कर करीब 170 से अधिक प्रजाति का आगमन हुआ है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि पक्षियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में काफी कमी देखने को आई है। वही उम्मीद है कि जैसे जैसे प्रदेश में ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे पक्षियों के आने का सिलसिला बढ़ता जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी पक्षी नवम्बर तक यहाँ पहुँचते हैं और मार्च तक रहते हैं। वहीं वन विभाग की ओर से यहां आने वाले सैलानियों के लिए भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सैलानियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए झील के आसपास नजर रखी जा रही है। वेस्टर्न ड्रेस में अक्षरा सिंह ने दिखाया कातिलाना अदाएं। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने वेस्टर्न लुक में जबरदस्त नजर आ रही हैं। बता दें कि अक्षरा सिंह इस वीडियो में युवान शंकर राजा और ध्वनि भानुशाली की कैंडी सॉन्ग पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। अक्षरा के इस वीडियो पर यूजर्स की दिलचस्प प्रतिक्रिया आ रही है। हर कोई अक्षरा के लुक की तारीफ करता नजर आ रहा है। यूजर्स फायर और हार्ट इमोजी पोस्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा भोजपुरी क्वीन का स्वैग। एक अन्य यूजर ने लिखा वाकई आपके जैसा कोई नहीं, आप इकलौती हो। पटना नई दिल्ली के बीच वंदे भारत के परिचालन की तैयारी शुरू।
बिहार के लोगों के लिए वंदे भारत के परिचालन का इंतजार अब बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। बता दें कि पटना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत के ट्रेन का परिचालन आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर शुरू कर दी जाएगी। वहीं इस ट्रेन के रखरखाव के लिए रेलवे के द्वारा पटना के 3 जगहों का चयन किया गया है, जिनमें दानापुर, पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार इस ट्रेन के परिचालन होने के बाद पटना से नई दिल्ली की दूरी केवल 7 घंटे में पूरी हो जाएगी। बताते चले कि वंदे भारत एक्सप्रेस 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। बता दें कि इस ट्रेन के कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए मंडल द्वारा रूपसपुर के पास जगह का चयन किया जा रहा है। धनिक लाल मंडल के निधन पर शोक में डूबा बिहार। बिहार में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं हरियाणा के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल के निधन पर शोक का माहौल है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शोक जताते हुए यह घोषणा की गई है कि धनिक लाल मंडल का अंतिम संस्कार पूरी राजकीय सम्मान के साथ किया जाए। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक लोकप्रिय राजनेता तथा कुशल प्रशासक थे। वे लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों का आदर एवं सम्मान प्राप्त किया है। उनके निधन के बाद मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख पहुंचा है। उनके निधन से सामाजिक और राजनीतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। पटना में अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू। पटना की सड़कों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ धारा 133 के तहत नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना लगाने का भी प्रावधान बनाया गया है। बीते दिन रविवार को सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों को सचेत करने के लिए माइक से सूचना भी दी गई थी। शहर में सड़कों पर अतिक्रमण से जाम की समस्या को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया। इसमें पुलिस प्रशासन, नगर आयुक्त, यातायात पुलिस सभी को तालमेल कर इस दिशा में कार्रवाई करनी है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। प्रशासन की ओर से तैनात मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पहले प्रमुख सड़कों खासकर पटना जंक्शन से जीपीओ, बुद्ध मार्ग, एग्जीबिशन रोड, नाला रोड, कंकड़बाग, मेन रोड सहित अन्य इलाके में अभियान चलाया जाएगा। बिहार की निलंजना को राष्ट्रीय तैराकी में मिला दूसरा स्थान। बिहार तैराकी संघ की ओर से 13वीं राष्ट्रीय तक्षशिला ओपन वाटर लंबी दूरी तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 13 किलोमीटर दूरी की यह प्रतियोगिता दीघा स्थित सेवा घाट से पटना लॉ कॉलेज घाट तक कराई गई। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल के तैराकों का जलवा रहा। बता दें कि बालक वर्ग में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल के गौरव कावेरी रहे, जिन्होंने 12 मिनट 29 सेकंड के अंदर जीत हासिल की। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर 1 घंटा 12 मिनट 50 सेकंड और 1 घंटा 19 मिनट 32 सेकंड के साथ सोभिक दास और विक्रम दत्ता रहे। वहीं बालिका वर्ग में प्रथा देवनाथ पश्चिम बंगाल 1 घंटा 16 मिनट 51 सेकंड पहले, निलंजना सील बिहार 1 घंटा 17 मिनट 47 सेकंड दूसरे और ऋचा शर्मा पश्चिम बंगाल 1 घंटा 19 मिनट 32 सेकंड तीसरे स्थान पर रही। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर बोले सुशील मोदी। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में बिहार को जोड़े जाने के बाद भाजपा की ओर से राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब इतनी हताश और मृत प्राय हो गई है कि इसमें कोई यात्रा भी प्राण नहीं फूंक सकती। उन्होंने कहा कि भारत पहले से एकजुट है, वो कांग्रेस ही है जो अक्सर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दिखाई देती है। उनके इस यात्रा का लोगों पर यही असर है कि जिस तेलंगाना से वे गुजरे वहां के एक उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत हो गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी के लिए राहुल गांधी के पास समय नहीं है। राहुल गांधी ने 80 सांसद भेजने वाले यूपी के लिए सिर्फ 5 दिन और 40 सांसद वालों के लिए 1 दिन का ही समय दिया है। नीतीश कुमार पर बरसे चिराग पासवान। बीते दिन रोहतास जिला के उखाड़ी गोल के प्रेमनगर हाई स्कूल मैदान में आयोजित सभा में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान गए, जहां उन्होंने आयोजित सभा का संबोधन करते हुए कहा कि वे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के तहत राज्य में परिवर्तन चाहते हैं। वो बांटने को नहीं, सबको जोड़ने की नीति में विश्वास करते हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पे तंज कसा, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहारी बाहर के राज्यों में पिट रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कुर्सी बचाने में जुटे रहे हैं। सत्ता के मद में चूर पलटू चाचा ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। महागठबंधन की सरकार में अपराधी बेलगाम है, उन्हें जो मन करता है वह कर डालते हैं। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि सीएम सत्ता बचाने में ही व्यस्त हैं। 2 कप्तान के साथ न्यूजीलैंड जाएगी भारतीय टीम। इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में करारी हार मिलने के बाद टीम इंडिया अब 18 नवंबर से 30 नवंबर तक न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैच का सीरीज खेलेगी। बता दें कि T20 मैच में टीम की कमान हार्दिक पांड्या को बनाया गया है, जबकि वनडे की कमान शिखर धवन को सौंपी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि T20 का पहला मैच 18 नवंबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा, वहीं दूसरा और तीसरा मैच 20 और 22 नवंबर को माउंट मौंगनुई और नेपियर में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजे में खेला जाएगा।
बताते चले कि वनडे का पहला मैच 25 अक्टूबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा और तीसरा मैच 27 और 30 नवंबर को हैमिल्टन और क्राइस्ट चर्च में भारतीय समय के अनुसार सुबह 7 बजे से खेला जाएगा। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 107.24 रुपए प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल की कीमत 94.04 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। बता दें कि औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, गया, गोपालगंज, कैमूर, नवादा, समस्तीपुर, सिवान, सीतामढ़ी और बेतिया में तेल के दाम कम कर दिए गए हैं। पेट्रोल के दाम में सबसे ज्यादा कमी गया में आई है, यहाँ पेट्रोल में 75 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 75 पैसे प्रति लीटर की गिरावट देखने को मिली है। वहीं जिन जिलों में तेलों के दामों में बढ़ोतरी की गई है उनमें बक्सर, दरभंगा, कटिहार, मुजफ्फरपुर, रोहतास और सुपौल शामिल है। वहीं सभी में सबसे अधिक बढ़ोतरी रोहतास में देखी गई है, जहाँ पेट्रोल के रेट में 51 पैसे और डीजल में 39 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, उमेश ऋषिदेव, के सिन्हा, कुलदीप कुमार, मृत्युंजय कुमार, सिफोन कुमार, कविता कुमारी, मोहम्मद नौशद राजा, अनवर करीम खान, रविशंकर, मंगिता भारती, राजीव कुमार, संजय गुप्ता, दीपक कुमार, मुतुल रंगीला। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में बिहार को जोड़े जाने पर कांग्रेस को क्या फायदा मिल सकता है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।